मियाँ बात भी नहीं करता, कॉल भी नहीं करता। वो घर नहीं छोड़ना चाहती, वो चाहती है मैं अपने मियाँ के घर ही रहूं। लेकिन वो उसके सास-ससुर कहते हैं अपने माँ बाप के घर जाओ, हमारा बेटा तुम्हें रखना नहीं चाहता। सास-ससुर ठीक है बहुत, लेकिन जिठानी जो है ना वो उनकी भांजी भी है, तो वो उन्हें भूलती रहती है और फिर वो सारा कुछ करते रहते हैं अपनी छोटी बहू के साथ। अगर आप चाहें तो घर जो है वो उसका ना टूटे, तलाक के अलावा भी बिल्कुल रास्ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल, हम यही चाहते हैं। वो कह रही है मैं घर नहीं छोड़ना चाहती। सास ससुर कहते हैं घर छोड़ दो, चली जाओ अपने घर, अपने माँ बाप के घर, हमारा बेटा तुम्हें रखना नहीं चाहता। ठीक, उसे कहें कि वो सबका तसव्वुर करके, सास ससुर का तसव्वुर करके, जी फसयफरीकहुमुल्लाह वहुव समीउ अलीम, इतनी ठीक ताकतवर है आयत है, इतनी कि आप नहीं सोच सकते। और ठीक। दूसरा, दो तस्बीह या एक तस्बीह सूरत कुल हो अल्लाह की पढ़कर हजूर के घराने को हदिया करें, हजूर की फैमिली को। और हजूर के घराने में जो है वो हजूर की बीवियां, बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियां, उनको हदिया करें। जी और ये ठीक बहुत है मुझे ताकतवर तरीन अमल है। घर बच जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, और सबसे बड़ी बात जी यह है कि उसको इज्जत, वकार, शान शौकत मिलेगी। सुबह शाम सूरत आमीन कुल इंशाअल्लाह। अल्लाह पढ़े और सारा दिन पढ़े, फस यकफीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। और उसकी तरफ से जी घर के ठीक दूसरे अफराद भी पढ़ें तो फायदा और भी ज्यादा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है।